अर्चना गौतम ने उड़ाया एमसी स्टैन अब्दुल रजीक की लड़ाई का मजाक, बोली इनके असली चेहरे सामने आ गए। अब्दुल रजीक और एमसी स्टैन इन दिनों अपनी लड़ाई को लेकर खबरों में बने हुए हैं। बिग बॉस 16 के दौरान ये दोनों फ्रेंड्स के रूप में नजर आए थे और शो खत्म होते ही इनके बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है। इन दिनों के बीच हुई दुश्मनी पर हर कोई स्टेटमेंट देता हुआ नजर आ रहा है, जिस लिस्ट में अर्चना गौतम का नाम भी जुड़ चुका है। अर्चना गौतम ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि इन दोनों का असली चेहरा शो खत्म होने के बाद ही सामने आया है। अर्चना ने दावा किया है कि एमसी स्टैन और अब्दुल रजीक कभी भी दोस्ताना नहीं थे। शो के दौरान ये दोनों बस दोस्ती का ड्रामा करते हुए नजर आ रहे थे। अर्चना गौतम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मुझे इन दोनों का ड्रामा देखकर मजा आ रहा है, अब इन दोनों का असली चेहरा सामने आ गए हैं। आप अपना गुस्सा छुपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, लेकिन एक ना एक दिन ये बाहर आ ही जाता है। घर में इन दोनों ने न लड़ने की कोशिश के लिए शो खत्म होने के बाद ये दोनों भिड़ चुके हैं। इससे पता चलता है कि शो के दौरान इनका रिश्ता कितना ही ज्यादा फेक था। ये दोनों घर के अंदर बस अच्छे दोस्त बनने की नौटंकी कर रहे थे। मैंने इन्हें रियल रहने की सलाह भी दी थी, लेकिन इन्होंने मेरी नहीं मानी थी। अर्चना गौतम का ये स्टेटमेंट एमसी स्टैन और अब्दुल रजीक के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। इनके फैंस का कहना है कि अर्चना गौतम इस लड़ाई पर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देकर लाइमलाइट में रहना चाहती हैं। बोला, आपका अर्चना गौतम की कही इन बातों पर क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।